नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर कभी आप फिक्स डिपॉजिट बनवाने जाते हैं ब्रांच में, तो जो फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म है वो आपको किस तरीके से भरना है, इसका मैं आपको एक लाइव डेमो बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कुछ डिटेल्स आपको चाहिए। अकाउंट नंबर चाहिए, चेक की लीफ चाहिए, अमाउंट चाहिए और टेन्योर कितने टाइम पीरियड के लिए बनवा रहे हैं, डेट और नॉमिनी की डिटेल। आइए हम लाइव वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फिक्स डिपॉजिट का स्लिप भर के देनी है ब्रांच में, ताकि आपकी फिक्स डिपॉजिट इश्यू हो सके। आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का फिक्स डिपॉजिट फॉर्म है, यानी कि अगर यदि आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे फिक्स डिपॉजिट करवाने तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हम अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसको हमें किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आप यहाँ ब्रांच का नाम लिख देंगे, सुमेरपुर। अब यहाँ पर जो आपका सेविंग अकाउंट नंबर है वह आप एंटर कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप एसडीआर एफडीआर जो ओपन करवाना चाह रहे हैं वो उस वहाँ पर अपना खुद का नाम लिखेंगे। जैसे मैं मेरे नाम से शुरू करवाना चाहता हूँ, महेश गुप्ता। यहाँ पर मैं मेरी कस्टमर आईडी लिख दूँगा, यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दूँगा, यहाँ पर जो मैं अपना पैन नंबर भी लिख दूँगा। तो ये मुझे ये डिटेल फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर मुझे नीचे इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे सबसे पहला तो कि डिपॉजिट किस तरह का, कॉलेबल नॉन कॉलेबल। कॉलेबल मतलब मैं चाहूँ तो उसको बीच में ब्रेक करवा सकता हूँ, नॉन कॉलेबल मतलब मैं उसे बीच में ब्रेक नहीं करवा सकता। तो मैं कॉलेबल पे टिक कर दूंगा। अब मुझे कितने टाइम पीरियड के लिए बनवाना है, जैसे मुझे 1 साल के लिए बनवाना है तो मैं यहाँ पर 1 ईयर लिख दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और कितने का डिपॉजिट करवाना है, जैसे मैं 1 लाख का करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 1 लाख कर दूंगा। अब अगर आप इंटरेस्ट चाहते हैं कि आपके इस अकाउंट में आ जाए तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख सकते हैं और या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट मेरा क्वार्टरली जो इंटरेस्ट है वो मेरे इस वाले अकाउंट में आ जाए, तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और फिर ये मेरी सुमेरपुर वाली ब्रांच के साथ है तो मैं सुमेरपुर लिख देता हूँ। अब मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, अगर मैं मैच्योरिटी पे मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए तो मैं सेकंड नंबर को टिक कर दूँगा। अब चूंकि फिफ्थ वाला है कि ये माइनर माइनर इशू है तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अब ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैं इसमें सेल्फ कर सकता हूँ कि ये मेरे सिंगल नाम से है। अब इसके बाद आप अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पे आप किसी को सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने साइन कर दीजिए, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर। अब दूसरा ऑप्शन आता है नॉमिनेशन का, अगर आप किसी को नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, आई बी महेश गुप्ता, नेचर ऑफ डिपॉजिट एफडी, नेम ऑफ नॉमिनी मनिक दास, एड्रेस ऑफ नॉमिनी सुमेरपुर, रिलेशनशिप फादर, एज 52, नॉमिनी इज माइनर नो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये नॉमिनी की डिटेल भी यहाँ पर भर दी है। अगर यदि नॉमिनी माइनर है तो मुझे ये आगे की ये वाली डिटेलें भी भरनी है, अगर माइनर नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। और अगर यदि ब्लैंक में छोड़ देता हूँ तो मैं यहाँ पर खुद अपने एक और साइन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ साइन करने की और जगह नहीं। तो इस तरीके से आप ये फिक्स डिपॉजिट का जो फॉर्म है वो आप भर के बैंक में सबमिट करा सकते हैं और आपका फिक्स डिपॉजिट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।